आपको कपड़ों के एक्सपोर्टर से मिला चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ किन्नू के एक्सपोर्टर से। और मैं आपको दिखाऊंगी कि किन्नू की प्रोसेसिंग कैसे होती है। लेकिन इसका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पे किन्नू की तोड़ाई हो रही है। अब ये किन्नू तोड़ तोड़ के अपने थैलों में भरते जा रहे हैं और फिर जो है इन कंटेनर्स में जमा होंगे। अब इनकी पहली सॉर्टिंग होगी। ये ए ग्रेड है और ये बी ग्रेड है। मेरे साथ अदनान अंकल मौजूद हैं जो मटीला किन्नू फैक्ट्री के मैनेजर हैं। तो अंकल आप बताएं कि ये तुड़ाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? ये सबसे पहले तो हमने देखना पड़ता है कि जो किन्नू है, किन्नू के ऊपर जो है कि कोई भी किसी किस्म की बीमारी ना हो, उसका साइज़ बेहतर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा किन्नू भी है तो वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता। अगर बस बीमारी से पाक जो होता है वो ए ग्रेड में आता है, जो जिसके ऊपर हल्की फुल्की स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स हो वो बी ग्रेड होता है। बी ग्रेड जो है कि हम इधर लोकल पाकिस्तान में इसकी कंजप्शन होती है, जो ए ग्रेड है वो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। ये जो मटीला है ये किन्नू के हवाले से क्यों मशहूर है? बेसिकली ये जो मटीला है ये तहसील कोटमोमन के अंदर आता है और तहसील बलवाल और कोटमोमन को कैलिफोर्निया कहा जाता है पाकिस्तान का। इसका जो है कि ज़मीन के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से ये बहुत ज़रखेज़ है और इसमें किन्नू की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यही वजह है कि इधर का जो किन्नू है कि पूरी दुनिया भर में जो है कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इसको। इसकी वजह से जो है कि इसका किन्नू जो है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। बाकी का प्रोसेस फैक्ट्री में होगा। ये जो बाग में किन्नू तोड़ी जाए थे ये वो हैं और अब ये यहाँ पे रखे जा रहे हैं और फिर इनकी सबसे पहले धुलाई होगी, बाद में क्या होता है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ये रीचेक कर रहे हैं कि अगर कोई कमजोर या बीमार किन्नू है उसको अलग कर रहे हैं। अब इनको फ्रूट क्लीनर से धोया जा रहा है। अब देखिए कितने मजे की बात है कि नीचे फॉर्म लगा हुआ है और इनको वॉश किया जा रहा है।
वॉशिंग के बाद दोबारा सॉर्टिंग हो रही है, ए ग्रेड बी ग्रेड अलग किया जा रहा है। अब इसके नीचे फॉर्म लगे हुए हैं जिससे पानी को सक किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 60-80 डिग्रीज में गर्म हवा के साथ किन्नू को खुश किया जा रहा है, और जो किन्नू गीला रह जाता है मतलब वो खराब हो सकता है। तो ये देखें, ये खुश्क है बिल्कुल। बिल्कुल खुश्क है। अंदर से गर्म हवा भी आ रही है। अब देखिए यहाँ पर वैक्सिंग हो रही है। वैक्सिंग का एक फायदा तो ये होगा कि इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, दूसरा ये होगा कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये ख़राब नहीं होगा। अब देखिए ये आगे और 60-80 डिग्री पर दोबारा जाता है और दोबारा सूखता है। सूखने के बाद यहाँ पर दोबारा सॉर्टिंग हो रही है। सॉर्टिंग होने के बाद ग्रेडिंग होगी। ग्रेडिंग क्या होती है अभी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रेडिंग क्या होती है। यहाँ पे देखिए मशीन खुद ही जो है इसको ग्रेडिंग कर रही है। अब देखिए जो बड़े किन्नू हैं वो पहले निकल जाएंगे और वो आगे चले जाएंगे, और इसी तरह जो सबसे छोटा है वो सबसे आखिर में जाएगा। देखिए ग्रेडिंग होने के बाद ये अलग अलग सेक्शंस में जा रहे हैं, उसके बाद पैकिंग हो रही है। तो कैसा लग रहा है आपको?
पैकिंग के बाद यहाँ पर स्टिकरिंग हो रही है। अब ये जो बास्केट्स हैं ये कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको कोल्ड स्टोरेज पे लेके जा रही हूँ, मैं जल्दी से आऊंगी क्योंकि बहुत ठंड है। यहाँ पे बहुत ठंडा है। आपको याद आया मैंने आपको आइसक्रीम वाली वीडियो दिखाई थी, वहां तो और भी ठंड थी लेकिन यहाँ भी बहुत। अब ये किन्नू एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मेरे साथ मौजूद हैं इस फैक्ट्री के ओनर अंसर इकबाल अंकल। तो अंकल ये बताएं कि जैसे ये टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्टर्स बहुत खुश हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से, तो क्या ये जो किन्नू के एक्सपोर्टर्स हैं ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्सटाइल में तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए हैं और उस इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। मैं समझता हूँ कि किन्नू के लिए एज सच इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं आई, जिस तरह पहले चल रहा था वही है, कोई नई पॉलिसी नहीं आई कि जिससे किन्नू के एक्सपोर्टर या किन्नू का ग्रोअर खुश हो। किस तरह की पॉलिसी की ज़रूरत है इस सेक्टर को? देखिए जी, किन्नू के हवाले से मैं बात करूं तो पिछले 15-20 साल से किन्नू की जो क्वालिटी है वो हर साल बद से बदतर होती जा रही है। अगर हम पिछले 15-20 साल देखें तो किन्नू की क्वालिटी बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की, लेकिन हर साल वो नीचे जा रही है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की उस तरह तवज्जो नहीं है किन्नू के हवाले से कि उसके ग्रोअर्स के साथ एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का कोई इंटरेक्शन हो, ग्रोअर्स को बताया जाए कि इसके लिए क्या करना है, इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाएँ। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट तामन नहीं कर रहा। उस वजह से किन्नू जो एक बहुत बड़ी नेमत थी पाकिस्तान में, और अब तो किन्नू पिछले 10-12 साल से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा सच उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह ही ये रवैया रहा तो ये आने वाले चंद सालों में इसकी एक्सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। किन किन ममालिक में आपका किन्नू जा रहा है और कब से ये काम कर रहे हैं? मैं 2001 से ये काम कर रहा हूँ किन्नू की एक्सपोर्ट का। तो किन्नू सबसे ज़्यादा तो रशिया में जा रहा है, तो तकरीबन 60% पाकिस्तानी जो किन्नू है वो रशिया एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद यूक्रेन है, मिडल ईस्ट में जा रहा है, पूरे गल्फ में जाता है और फार ईस्ट में इंडोनेशिया मलेशिया जा रहा है। कुछ अरसा पहले यूरोप में भी जा रहा था। अभी कुछ ऐसे मसाइल आए हैं कि किन्नू में एक डिज़ीज़ आ गई थी सीटस कैंकर, उस वजह से वहाँ पर अभी नहीं जा रहा, लेकिन बाकी रशिया यूक्रेन मिडल ईस्ट फार ईस्ट यहाँ पे किन्नू जा रहा है, बहुत हो रही है। क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? हाँ यस, प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर इसको सही ईमानदारी से और मेहनत से किया जाए तो यकीनन प्रॉफिटेबल बिजनेस है और लोग अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमाते हैं। आपके ख्याल में पीटीआई की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर ध्यान दे रही है? हाँ बिल्कुल जी, पीटीआई की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर जो पॉलिसी बनाई है अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉलिसी है और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त है। एक डिस्ट्रिक्ट में अगर मैंगो होता है तो वहाँ किन्नू वाली पॉलिसी लगा दी जाए तो उसका फ़ायदा नहीं होता। पहले जो पंजाब में पॉलिसी बनती रही है या पाकिस्तान में एग्रीकल्चर पर, वो थ्रू आउट एक पॉलिसी आ जाती थी, उसको कहते थे कि ये इम्प्लीमेंट कर दें। तो अगर एक ज़िले में जिस तरह सरगोधा है यहाँ पे किन्नू होता है तो उसी को उसी पॉलिसी को हम जाके कहें जी कि हम भावलपुर में इम्प्लीमेंट करेंगे,
तो वो इंसेंटिव देंगे तो शायद उसका कोई फ़ायदा ना हो। तो पीटीआई ने जो पॉलिसी बनाई है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जौन सी चीज़ पैदा हो रही है उसके हवाले से वो पॉलिसी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आएगा। तो वैसे भी एग्रीकल्चर के हवाले से पीटीआई बहुत अच्छा प्रोग्राम ला रही है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस पर बहुत बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू।